नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे। मैं संदीप हूँ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो होली है वो बहुत ही टेंशन में बीतने वाली है। वजह ये है कि मध्य प्रदेश में सियासी संकट एक बार फिर से गहरा गया है। आज सुबह तक लग रहा था सब कुछ कि ठीक ठाक है, शायद संकट टल गया है फौरी तौर पे, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो खबर आई है वो बहुत ही एक बड़ा सियासी भूचाल पैदा कर सकती है। खबर ये है कि कांग्रेस के 17 विधायक, जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, इस वक्त बेंगलुरु पहुंच गए। ये अचानक अनुराग कैसे उठापटक हुई? संदीप जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज सुबह तक हम लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस के जो संकट था कांग्रेस का वो ठीक हो गया है। अभी पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि वो समीकरण बन रहे थे कि चार विधायक चले गए हैं, उसमें बताया जा रहा था कि कुछ को मना लिया गया है, एक चले आए हैं, फिर बनता था कि एक और चले आए हैं। लेकिन आज शाम को जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि 17 विधायक गए हैं बेंगलुरु और उसमें 6 मिनिस्टर हैं, कांग्रेस सरकार के ही 6 मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और अब तक तो ये बताया जा रहा था कि संकट है, अब तो ये कुर्सी इनकी खतरे में पड़ गई, सरकारी खतरे में। अगर सरकारी खतरे में अगर 17 विधायक चले जाते हैं, वो खेमेबाजी जैसी कि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 खेमे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना खेमा है, कमलनाथ का अपना खेमा है और दिग्विजय का अपना खेमा है। तो अब बताया ही जा रहा है कि आज जो ये खेमेबाजी हुई है, जो 17 लोग गए हैं बाहर, बेंगलुरु गए हैं और उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे हैं कि फ़ोन से बात भी नहीं हो पा रही है कांग्रेस के, और दूसरे नेता जो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अगर ये 17 खेमे जो 17 नेता हैं सिंधिया के साथ, और अगर सिंधिया के साथ ये निकल जाते हैं तो सरकार पर खतरा है, सरकार गिर भी सकती है। इवन बीजेपी के सोर्सेज के हवाले से अभी जो खबर आ रही है वो कि वो 17 चलेगा तो उसमें बीजेपी जो है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी सोच रही है। जी, तो मतलब पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार पर ये कुर्सी खतरे में पड़ गई। बिल्कुल। जो ये एक जो बात लगातार सामने आ रही थी कि दरअसल ये पूरी कवायद राज्यसभा चुनाव को लेकर है, राज्यसभा चुनाव की एक सीट को लेकर है, लेकिन जैसा अनुराग बता रहे हैं कि अब तो सरकार पर ही बन आई है। अगर ये मानकर चला जाए कि ये जो 17 विधायक हैं ये पाला बदल लेते हैं, उससे विधानसभा की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, बीजेपी एक तरह से मेजोरिटी में आ जाएगी। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग अभी जो खबर भी चला रहे हैं अपने यहाँ कि मध्य प्रदेश में अगर इसमें एक राइडर हम जोड़ दें कि दल बदल का कानून अगर लागू भी होता है, अगर ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो उस हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुल 230 विधानसभा सीटें हैं तो उसमें 2 विधायकों का निधन हो गया था, तो आंकड़ा जैसा है हमारे पास कि 228 सदस्य इस समय बचे हैं। जी, अब कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं, अगर इनमें से 4 निर्दलीय विधायक और 2 बीएसपी और 1 एसपी का भी इनको समर्थन मिला हुआ है जिसपे कमलनाथ सरकार टिकी हुई है। अब कांग्रेस के खेमे में फिलहाल 121 विधायक बचते हैं और 107 विधायक हैं बीजेपी के पास। 17 जो अभी जैसा बता रहे हैं कि 17 कांग्रेस के विधायक अगर निकलते हैं तो 121 में से 17 माइनस हो जाएंगे, बीजेपी ऊपर जाएगी फिर, और 17 विधायक पाला बदलकर बीजेपी शामिल हो गए तो कहने ही क्या, फिर तो कांग्रेस की सरकार जानी तय है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का जो पूरा मौजूदा संकट है वो कमलनाथ सरकार कैसे बचा पाती है, या जो सिंधिया का गुट जो बता रहे हैं कि नाराज है अगर उसको मना लिया जाए वापस, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंधिया वो चाहते हैं कि उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दी जाए, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि राज्यसभा का टिकट की बात चल रही है, या इसमें भी पिछली बार जब आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब ये शुरू हुआ था, रात में हरियाणा में किसी होटल में जाकर ठहरे थे तो उस समय ये बताया गया था कि दिग्विजय सिंह उसमें आगे आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा रोल है, अगर हो सकता है अगर इस बार भी दिग्विजय सिंह का कुछ अगर निकल के आता है वो कुछ बचा लेते हैं अपनी सरकार को, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। पिछले बार मानेसर में जो कुछ हुआ था, मानेसर के एक 5-स्टार होटल में, उसमें तो हमको याद है रातों रात वहां पे दिग्विजय सिंह खुद पहुंच गए थे, इसके अलावा जीतू पटवारी जो कि कमलनाथ सरकार के एक बड़े मंत्री हैं वो पहुंच गए थे, और किसी तरह वो संकट जो है टला था फौरी तौर पे। लेकिन अब जैसा हमने आपको बताया कुछ देर पहले ये खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि 17 विधायक कुल मिला के कांग्रेस के बेंगलुरु पहुंचे हैं, जिसके बाद कमलनाथ सरकार पर सीधे तौर पर ये बड़ा संकट है, इससे देखना होगा कैसे वो निपटते हैं। कुछ देर पहले कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जब लौट रहे थे तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए बीजेपी से रहा नहीं जा रहा है, बीजेपी सरकार के दौरान जो घोटाले हुए थे उनका पर्दाफाश हो रहा है, इस वजह से बीजेपी बौखलाई हुई और इस तरह की हरकतें कर रही है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सिंधिया गुट नाराज है या सिंधिया के जो सपोर्टर है वो नाराज है, उसका एक बानगी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा संदीप जी, पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री हैं और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी खास माने जाते हैं, नाम है महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका एक बयान आया था, उस समय ये चल रहा था कि कमलनाथ सरकार पर संकट है, क्या होगा कैसे होगा, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी तो ठीक है
सिंधिया जी का अगर अनादर होता है या इसी तरीके से अपमान जारी रहा तो आने वाले दिनों में असली संकट कमलनाथ सरकार का शुरू होगा। दो दिन पहले का बयान है और आज देखिए संकट शुरू हो गया। अगर इस 17 जाते हैं तो कमलनाथ सरकार को फिर कोई बचा नहीं सकता, जैसा समझ में आ रहा है गणित। बिल्कुल बिल्कुल, जो गणित फिलहाल ऐसा लगता है कि कमलनाथ सरकार के विरोध में नजर आ रहा है, उनके खिलाफ नजर आ रहा है। लेकिन हम ये भी ना भूलें कि बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो थोड़ा बागी तेवर अपनाए हुए हैं, वो भी कभी कमलनाथ के साथ नजर आते हैं। नारायण त्रिपाठी जो कि मैहर से विधायक हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि कोई संकट सरकार पे नहीं है, वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे। तो इस तरह की चीज़ें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा अभी निकल कर सामने आया है बेंगलुरु जाने वाले विधायकों का, चूंकि वो 17 है तो एक बड़ा नंबर है, इसलिए इसको लेकर देखना होगा कि चीज़ें किस करवट बैठती हैं मध्यप्रदेश की राजनीति में। लेकिन ये तय है कि होली पर चैन से कोई सियासी दल बैठने वाला नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेंशन हो गई है मध्यप्रदेश में। खबर ये है कि दिल्ली से जो कमलनाथ आए थे, सोनिया गांधी से मिले थे सुबह में, और वापस वो भोपाल पहुंच गए हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो अपनी समीक्षा बैठक करेंगे कि कैसे विधायकों को बुलाया जाए, क्या किया जाए। वो समीक्षा बैठक करके रिपोर्ट आ रही है कि वो बैठक करने वाले हैं, इमरजेंसी बैठक की वो। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है इस इमरजेंसी बैठक में से। फिलहाल मध्यप्रदेश के सियासी संकट पर नवभारत टाइम्स से पर आप लगातार खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।